साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है, और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं, और जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, और यह उदाहरण इतिहास में दर्ज है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है कांग्रेस में तो मेरी इस बात का देश को जरा जवाब दे। नहीं देंगे वो। इनकी तो हालत ऐसी है, मुझे बताइए, आपके घर में आपको कभी आपके माता पिता, अगर आपने दादा उन सबको देखा हो तो उनको याद करने के लिए क्या आपको एल्बम खोलना पड़ता है क्या? अपने माता पिता को याद करो, एल्बम खोलो तब याद आते हैं क्या? इनकी तो हालत ये है कि अपने माता पिता को याद करने के लिए एल्बम खोल के देखना पड़ता। अच्छा अच्छा ये है, ये जिनकी स्थिति है जी। भाइयों बहनों, कांग्रेस अपनी सरकार के समय खुले आम कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा। उस मीटिंग में मैं मौजूद था और मैंने इसका विरोध किया था। अब मुझे बताइए, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? अब कांग्रेस वाले कितने ही चू चू करते रहे, सब अवेलेबल है। हालत ये थी कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने क्या किया, जो डेवलपमेंट का बजट होता है उस बजट में भी दरार कर दी भाइयों, उसमें भी बंटवारा करने के लिए सोचा। और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट मुस्लिम बजट, ये इन्होंने सोचा था। क्या ये मेरा देश ऐसे चलेगा क्या? और कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, अब उनको धर्म के नाम पर देश बनाना था, बना दिया। कांग्रेस की मजबूरी थी, दे दिया। अब आप कहोगे कि हिंदू बजट मुस्लिम बजट, क्या ये देश का भला करेगा क्या? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ कि मेरी बात समझते हो। क्या इस देश का बजट हिंदू बजट मुस्लिम बजट ऐसा हो सकता है क्या? हिंदू के लिए इतना, मुसलमान के लिए इतना हो सकता है क्या? ये पाप कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और मुझे याद है, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था,
मैंने इसका सबसे पहले विरोध किया था। कांग्रेस और इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आए तो ये ही करने वाले हैं। क्या हमें देश को एक रखना है कि नहीं है? हर हिंदुस्तानी एक है, ये जरूरी है कि नहीं है? क्या हिंदुस्तानियों को बांटना अच्छी चीज है क्या? मैं आपसे फिर एक बार पूछता हूं, क्या ऐसे लोगों को सिर्फ यहां नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक भी सीट जीतनी देनी चाहिए क्या? एक भी पोलिंग बूथ पे उनका नंबर लगना चाहिए क्या? और मैं महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूं, पहले चार चरण में उन्होंने ये इंडी अगाड़ी को चारों कोने चित्त कर दिया है। साथियों, आज भी इंडी अगाड़ी और कांग्रेस के शाहजादे तुष्टीकरण का वही पुराना खेल खेल रहे हैं। इन लोगों की नजर अब एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर है और उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया है। कर्नाटका ये उनकी लेबोरेटरी बनाई है। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया, सरकार में आने के बाद रातों रात कर्नाटका में जितने मुसलमान थे रातों रात एक हुक्म निकाला कि सारे मुसलमान ओबीसी है। रातों रात सब मुसलमान को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का आरक्षण का जो कोटा था उसकी बहुत बड़ी लूट उन्होंने उनको दे दी, टुकड़े कर दिए। और आरक्षण की यही लूट कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करना चाहती है। आप मुझे बताइए, ये एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण के टुकड़े करके वो किसको देंगे, किसको देंगे? वही खेल करेंगे कि मुसलमान वोट देता है मुसलमान को दो, जिनसे ये वोट जिहाद करवाने की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, आपने महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी में एक भी व्यक्ति ने, एक भी नेता ने इसका विरोध करते किसी को सुना है क्या? चुप बैठ गए। और मोदी सब जगह पे बोलता है तो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, मोदी उनके हिंदू मुसलमान का जो खेल है देश की जनता के सामने उसको खुला कर रहा है। और मुझे बताइए, एक कर्तव्य मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे चुप रहना चाहिए क्या? क्या मेरी छवि के लिए मुझे देश को तोड़ने देना चाहिए क्या? मेरे लिए मेरी छवि से ज्यादा मेरे हिंदुस्तान की एकता मेरे लिए प्राथमिकता है।